वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं एक टूर पर। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? लगभग होगा 150 200 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से माउंट आबू जा रहे हैं हम लोग। मेरे साथ में राजेश और ऐसा आ रहेगा, नवीन है, 3-4 लोग और भी साथ में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बागोड़ा। सब लोग इकट्ठे होंगे बागोड़ा जाके, तो वहाँ जाके सबसे मिलते हैं। और ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा, तो बस बने रहिए और देखते रहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से बागोड़ा से रवाना हो चुके हैं, और हमारी पूरी टीम, हमारे दोस्त जो भी थे सब साथ में आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो देखो यूँ करो रहा, मजा नहीं आया तो मजा ऐसे आएगा। इस पहाड़ को कट कर दिया ना, मार दूंगा। ठीक है, देखो हमारे साथ में है संजय, मेरे साथ में है भाई। ये क्या बोल रहे हैं, यूँ करो मजा ना, इसका मतलब ऐसे करोगे तो मजा नहीं आएगा, तो कैसे आएगा ऐसे चलो महेंद्र साथ में और राजेश साथ में और नवीन इधर देख थोड़ा, नवीन और हमारे भाई साहब जो है गाड़ी चला रहे हैं इधर। और अभी हम लोग बागोड़ा से रवाना हो चुके हैं, तो सभी शुभ यात्रा और चलते आए। तो भाई एक घंटा लगा हमको रनिंग करते हुए अभी तक, और अभी अलग से बोलेंगे हम लोग, मोमेंट कुछ भी बोलेंगे चलेगा। तो हम लोग अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ से भिंडवाल। यार भी दौड़ रहा है एक घंटे से मैं दौड़ रहा हूँ और भिंडवाल पहुँच चुका हूँ। गेट खुलवा था गाड़ी का, गेट खोल के दौड़ रहा है। सो अभी अंधेरा हो गया, तो इतना वीडियो क्वालिटी नहीं आएगा, तो फिर आपको जितना हो सके क्या दिखाऊंगा। बाकी कल नेक्स्ट व्लॉग में तो आपको मजा आने वाला ही है, तो मजा करो, एंजॉय करो। ट्रेन नहीं की दूसरी नहीं, 15-20 दिन। फाइनली मैं भिंडवाल पहुंच चुके हैं, और अभी हमने यहाँ पर खाया था आइसक्रीम। कौन बटर स्कॉच। अभी हम लोग यहाँ से हो रहे रवाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भिंडवाल टीआरपी चैनल। तो भाई अभी की रात के बज चुके 11, और अभी हम लोग यहाँ से माउंट आबू से करीबन 40। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ टीआरपी व्लॉग। यस, अरे लोगो सुप्रो सॉरी, मेरे मुंह से निकली गलती से। हेलो, अरे यार मेरा मुंह ऊपर क्यों कर रहे हैं, देखेंगे क्या। तो अभी 40 किलोमीटर दूर है माउंट आबू से, और अभी हम लोग ऐसे करेंगे भाई, मुंह साफ करना था ऐसे करेंगे, रुमाल वगैरह रखते नहीं है। करो ठीक है, बी कंटिन्यू। तो अभी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से माउंट आबू, और अभी फ्रेश होने के लिए है क्या? दो तीन ब्रेक ले लिया हमने, टॉयलेट करने के लिए। तो अभी हम लोग डायरेक्ट अभी आगे खाना भी खाना है, भूख भी लगी है, तो हम लोग आगे जो भी होटल आएंगे वहाँ पे रुकेंगे, खाना खाएंगे, तो अभी होटल पे जाकर मिलते हैं आपसे। अभी हम लोग एक होटल में रुके चाय पीने के लिए। अभी के बज चुके 11 बज के कुछ 15 मिनट के आसपास, और सभी लोग इधर चाय का चाय की सुस्ती ले रहे हैं। रात के 11 बज चुके, 11:15 बज चुके, 12 बज गए। अभी हम लोग हैं यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है यहाँ से बता रहा है माउंट आबू। तो अभी हम लोग चाय खाना वगैरह अभी हमने खाया नहीं, खाने का है, तो अभी आगे जो भी अच्छी होटल आएगी तो देखते हैं, खाना की होटल बंद है चालू क्या पता। तो सबसे पहले चाय पीएंगे फिर मिलते हैं। तो भाई इधर अभी नाश्ता हो गया, नाश्ता नहीं चाय सिर्फ हुआ है, और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं व्लॉग में आना चाहिए और कट नहीं होना चाहिए क्या? मैं व्लॉग में आना चाहिए और कट नहीं होना चाहिए क्यों? जबरदस्त। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे सिर्फ 21 किलोमीटर दूर यहाँ से, तो जाते हैं आगे और चल रहे हैं। फाइनली हमको एक होटल मिल चुकी है, और अभी हम लोग खाना ऑर्डर भी कर दिया है, तो अभी ऑर्डर दिया तो खाना आ रहा है, जो भी है दिखा देंगे आपको क्या क्या है। क्या है भाई, और आपकी डिजाइनिंग लाइटिंग वगैरह आपको मैं दिखा, तो बहुत ही शानदार है, एक बार दिखा देता हूँ मुझे पता। तो भाई कुछ देख सकते हो आपको इस प्रकार से, जो कि बहुत ही अलग लुक आ रहा है यहाँ से, बहुत ही शानदार वाला, मतलब कि गजब है। सब लोग इधर बैठे, अभी हमारे अलावा ज़्यादा कुछ लोग नहीं, हमारा लास्ट ऑर्डर इसी तरीके से। सो गाइस हमारा खाना वगैरह आ चुका है, और तो सब लोग खा रहे, खा नहीं चुके अभी सब लोग।
ये वाला सब्जी ज़्यादा खास नहीं खा। खाना वाना हो चुका है और बहुत ही शानदार खाना था, मज़ा आ गया। और अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे आगे, देखते क्या होता है। चलो खाना खाया, मज़ा आया ना। हाथ खाली देना है, इधर शूट हो गया। ये जितनी थी उतनी सब लेकर सब लेके आगे ये होता है। आराम लगाएंगे, आराम मेरे को भी देना थोड़ा। नहीं हाँ 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 सॉरी। हम लोग माउंट आबू पहुँच चुके हैं, अभी तक करीबन 15 किलोमीटर के आसपास दूर है, लेकिन अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकट मोड़ है और साथ में यहाँ पर बालू वगैरह शेर वगैरह से तो मतलब कि जो जानवर होते हैं उसका बहुत रिस्क रहता है, हमको बहुत ज़्यादा। और गई मेरे साथ नहींसा भी हो रही। सुनो टी आर पी, बोलो। अरे सुनो एक बात बोलो टी आर पी। हाँ बोलो। अगर अभी आप बोलते हो कि नीचे उतर के सुसु कर ले, अंदर मुझ जाऊंगा और नीचे नहीं जाऊंगा। इतना डर डाल दिया मेरे अंदर कि ऐसे होते ऐसे होता भाई, काट लेंगे पकड़ लेंगे। अच्छा अभी अगर सुसु करने का मतलब मैं करूंगा ही करना ही नहीं। आप इधर रोड मारते थे ना, नीचे तो भाई जमको काफी ज्यादा डर लग रहा है, जानवर वगैरह भी आ सकता है हमारे सामने। और विकट ज्यादा बहुत ज्यादा मोड़ भी है और रात का सभी जा रहे हैं। हम लोग आगे वहाँ पे होटल पे बुकिंग करना है, किया नहीं तो अभी होटल पे बुकिंग करना है। तो देखते हैं अभी नाइट होगी तो होटल वगैरह खुला होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या होगा तो कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन अभी जा रहे हैं आगे तो जो होगा आपको दिखाते रहेंगे। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माउंट आबू और यहाँ पर हम लोगों ने होटल वगैरह बुक कर लिया है और हम लोग सो गए इधर भी। और एक बेड यहाँ पर लगा हुआ है और एक वहाँ पर लगा हुआ है, इधर तो दोनों में सेट हो गए सभी लोग। तो अभी समथिंग 1:30 बज गया है और वहाँ पर सुबह 6 बजे उठना है। और नेक्स्ट व्लॉग आपको जो अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा जो कल का जो हम जो होगा, तो इस व्लॉग को इधर एंड करेंगे। आई होप कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।